दोस्तों, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो केवल कुछ समय के लिए ही आते हैं और गर्भवती महिलाओं को उन खाद्य पदार्थों का जमकर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में होने वाला भुट्टा यानी मकई भी कुछ दिनों के लिए ही आती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को झटपट भुट्टे को अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान क्या आपने कभी भुट्टा खाने से होने वाले फायदों के बारे में सोचा है? आयुर्वेद में भुट्टा खाने के कई फायदे गिनाए गए हैं। ये प्यास को शांत करने वाला होता है और अच्छी बात यह है कि एक और जहां बहुत सी चीजें पकने के बाद अपना पोषण गुण खो देती हैं, वहीं भुट्टे का पोषण पकने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम प्रेगनेंसी में भुट्टा खाने की बात करें यानी मकई खाने की बात करें, तो गर्भवती महिलाओं के लिए मकई यानी भुट्टा के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टा या मकई एक बेहद लोकप्रिय अनाज है जो खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, डाइट्री फाइबर और मैग्नीशियम शामिल है। गर्भावस्था में मकई खाने के आज मैं आपको 10 फायदे बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगी। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आपको एक दिन में कितना भुट्टे का सेवन करना है और साथ ही भुट्टा खाने के प्रेगनेंसी में कुछ नुकसान भी हैं जो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान भुट्टा खाने के फायदों की। फॉलिक एसिड से भरपूर होने के कारण शिशु को जन्म दोष के खतरों से बचाता है। दोस्तों, गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की कमी होने से गर्भस्थ शिशु को स्पाइना बिफिडा यानी रीढ़ का अधूरा विकास जैसे जन्म दोष हो सकते हैं और फॉलिक एसिड की कमी से दिमाग का एक हिस्सा अधूरा विकसित रह सकता है जिसको एनसेफली जैसे जन्म दोष कहते हैं। दोस्तों, मकई यानी भुट्टे में फॉलिक एसिड की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है जिस वजह से गर्भावस्था में इसका सेवन करने से फॉलेट की कमी की समस्या से बचा जा सकता है और बच्चे के जन्म दोष के खतरे को कम किया जा सकता है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के आंखों के लिए फायदेमंद। दोस्तों, भुट्टे यानी मकई में जैक्सेंथिन और लूटिन नाम के कंपाउंड पाए जाते हैं जो आंखों को स्वस्थ रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये आंखों को मोतियाबिंद से बचाते हैं। गर्भावस्था में भुट्टे का सेवन करने से गर्भवती महिला और उसके शिशु की आंखें स्वस्थ रहती है और शिशु जब जन्म लेता है तो भविष्य में उसकी आंखें संबंधी रोग जो होते हैं उनका खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। शिशु के फेफड़ों के लिए फायदेमंद। दोस्तों, मक्के यानी भुट्टे में विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और विटामिन ए की कमी होना महिला और शिशु के लिए समस्या बन सकती है। विटामिन ए भ्रूण के विकास, खासकर उसके फेफड़ों के विकास में मदद करता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शिशु के फेफड़े और दिमाग ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका विकास पूरी गर्भावस्था के दौरान जारी रहता है और विटामिन ए गर्भस्थ शिशु के फेफड़ों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ भुट्टा यानी मकई में मौजूद विटामिन ए गर्भवती महिला को विटामिन ए की कमी से बचाता है। मांसपेशियों के विकार को रोकता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान मकई यानी भुट्टे का सेवन आपके बच्चे को उसके जन्म के बाद मांसपेशियों के विकार से बचाता है क्योंकि मकई में जिएजेंथिन होता है और यह तत्व मसल्स यानी मांसपेशियों में होने वाले विकार को दूर करता है, साथ ही साथ मांसपेशियों को मजबूत करता है। अनीमिया से बचाता है। मकई विटामिन बी का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है और गर्भवती महिलाओं को अनीमिया से बचाता है। अनीमिया होने का एक मुख्य कारण आयरन की कमी है। गर्भावस्था में आयरन की जरूरत भ्रूण के विकास के लिए भी काफी होती है। मक्का में समृद्ध मात्रा में आयरन पाया जाता है जो गर्भवती महिलाओं को अनीमिया से बचाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। मकई विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है इसलिए यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ ये गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गर्भावस्था के दौरान अक्सर गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और भुट्टा इसके लिए बेहतर विकल्प है। कब्ज से राहत देता है।
दोस्तों मकई यानी भुट्टे में डाइट्री फाइबर होता है और यह फाइबर गर्भावस्था में होने वाली कब्ज से गर्भवती महिलाओं को छुटकारा दिलाता है। गर्भवती महिलाएं खुद नोटिस कर सकती हैं, जिस दिन वह भुट्टा यानी मकई का सेवन करेंगी उस दिन उनका पेट आसानी से साफ होगा, कब्ज नहीं रहेगी। फाइबर और फैटी एसिड होने के कारण यह मल प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है और गर्भवती महिलाओं को कब्ज से राहत देता है, कैंसर से बचाने में मदद करता है। दोस्तों मकई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्तन कैंसर सहित कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में मदद करते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को मकई का सेवन जरूर करना चाहिए। ट्यूमर के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों अक्सर गर्भवती महिलाओं को ट्यूमर होने का खतरा काफी ज्यादा होता है और मकई में फेरुलिक एसिड जैसे फेनोलिक कंपाउंड होते हैं जो ट्यूमर के खतरे को कम करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं को कितना भुट्टा खाना चाहिए एक दिन में। गर्भावस्था के दौरान आप आधा कप मक्के का सेवन रोजाना कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मक्का यानी भुट्टे का सेवन आप ना करें। अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो आप एक दिन में एक भुट्टे का सेवन कर सकते हैं, इससे ज्यादा सेवन ना करें। दोस्तों गर्भावस्था में भुट्टा खाने के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला तो यह है कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जिन गर्भवती महिलाओं को मधुमेह की शिकायत है उन गर्भवती महिलाओं को मक्के का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पोटाशियम होता है जिससे गर्भवती महिलाओं को उच्च रक्तचाप साथ ही साथ प्री एक्लिप्सिया की समस्या बढ़ सकती है, जिससे गर्भवती महिलाओं को आगे चलकर नुकसान हो सकता है। खासकर जिन गर्भवती महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उन गर्भवती महिलाओं को मक्के का सेवन अपने डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं अगर ज़्यादा मक्के यानी भुट्टे का सेवन करती हैं तो उनको अपच की समस्या हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, जलन हो सकती है और खाना देर से पच सकता है। इसके अलावा मकई में फैटी एसिड होता है और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन किया जाए तो गर्भवती महिलाओं को दिल की बीमारियां होने का खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको मकई यानी भुट्टे का सेवन सीमित मात्रा में ही करना है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है अगर आपको कोई समस्या है तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करना है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बेहिचक पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।